हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लाया हूँ फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। इसको डिनोट किया जाता है जे से, ठीक है, और ये कार्य का यूनिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है? ऑप्शन है समय की, ऑप्शन बी द्रव्यमान की, ऑप्शन सी दूरी की एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक होती है और ये आपको देखने को मिलेंगे खगोल पिंड में। जब खगोल पिंड की दूरी मापी जाती है तो प्रकाश वर्ष से ही मापी जाती है। और इसका अर्थ क्या हुआ, और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकती है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पारसेक इकाई होती है? ऑप्शन है द्रव्यमान की, ऑप्शन बी चुंबकीय बल की, ऑप्शन सी समय की एंड ऑप्शन डी दूरी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूरी की। पारसेक दूरी की होती है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, ठीक है। इसके बाद प्रकाश वर्ष आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है? ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी अधिवर्ष, ऑप्शन सी चंद्रमा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ठीक है, यह दूरी का मात्रक है। और ये अधिवर्ष, चंद्रमा, ये सारे प्रकाश के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन है डाइन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कल, ठीक है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए आफ्टर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंडेला, ठीक है। ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991 एंड ऑप्शन डी 1985। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971, ठीक है। 1971 में ये एसआई पद्धति लागू हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलोरी, ठीक है। कैलोरी में हम लोग खाद्य ऊर्जा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर एंड ऑप्शन डी वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर, ठीक है। विद्युत मात्रा की मात्रक होती है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या इकाई होती है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी ऑप्टर, ऑप्शन सी डायोप्टर एंड ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से क्या नापा जाता है? ऑप्शन ए करेंट, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी पावर एंड ऑप्शन डी वोल्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेंट। एम्पियर से करेंट मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी चाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल। बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, फोर्स, और इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। मतलब किस डायरेक्शन में आप लोग बल लगा रहे हो वो एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया। लेकिन तापमान, ऊर्जा और चाल, ये तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान एंड ऑप्शन डी कोणीय वेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। ओके, और वेग, संवेग और कोणीय वेग, ये तीनों सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है? ऑप्शन ए बल आघूर्ण, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है ये अदिश राशि होती है, ठीक है, और बल आघूर्ण में डायरेक्शन होता है, संवेग में भी होता है। तो ये दोनों सदिश राशि होती है और ऊर्जा अदिश राशि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए दाब,
ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग एंड ऑप्शन डी कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग। संवेग एक सदिश राशि होती है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी कोणीय वेग एंड ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। ठीक है, देखिए संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं एम वी से और वेग को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, और दोनों का अनुपात मीन्स दोनों को डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो ये जो वी और वी है कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ एम, और एम को ही द्रव्यमान बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन बी बर्नौली परिमेय, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण सिद्धांत एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत पे ही रॉकेट वर्क करती है। ठीक है, रॉकेट में एम भी होता है, ठीक है, और एम मतलब इसका फ्यूल। ओके, और जैसे जैसे ये फ्यूल खर्च होता है तो भी का मान बढ़ता है। आपको पता होगा दोनों का सम जो होता है एक कांस्टेंट होता है। मान लीजिए इसका सम हो गया 100, ठीक है, तो ये एनी हाउ 100 ही रहेंगे। अगर एम घट रहा है मतलब उसका फ्यूल जो जल रहा है तो फ्यूल का जो वेट होता है वो घट रहा है, और उसके घटने से ये मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। इट मीन्स कि ये मान बढ़ना पड़ेगा, मतलब ये भी बढ़ना पड़ेगा, और भी बढ़ेगा तभी ये मान में कोई चेंज नहीं आएगा। और यही थ्योरम लगता है आपको रॉकेट सिद्धांत में देखने को मिलता है। तो जब ये बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इसका फ्यूल घटते जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा और रॉकेट और भी तेज गति से उड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था, मतलब वो जी इक्वल टू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर और एक कांस्टेंट भी था। ठीक है, तो ये न्यूटन ने ही दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए दाब की, ऑप्शन बी वर्षा की, ऑप्शन सी आर्द्रता की एंड ऑप्शन डी तापमान की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाब की। पास्कल इकाई होती है दाब की, प्रेशर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए जल की बहाव, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल की मात्रा एंड ऑप्शन डी जल की शुद्धता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का बहाव। जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अभी यहीं तक रहेगा। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पूरा सीरीज देखना बहुत जरूरी है, जिसका हर एक वीडियो को मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके पूरा लिस्ट एक बार में देख लीजिए, और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।